आज हम बात करने वाले हैं टेटनस के बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें टेटनस की बीमारी के बारे में कुछ बताएं। ये टेटनस एक बैक्टीरिया की बीमारी है। बैक्टीरिया एक कीटाणु है जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत कुछ बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल आम आदमी को जब चोट लगता है, चोट लगने के बाद आता है। ये कैसी चोट लगने पे ये होता है? जैसे जो स्टील रॉड्स होते हैं, जो रस्ट, जो पुराने स्टील्स और पुराने जो चीज़ होते हैं उनमें से कुछ कट्स लगते हैं या कुछ चोट लगते हैं, उसकी बात आते हैं। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि स्टील रॉड से होते हैं, आयरन से भी हो सकते हैं? आयरन से भी हो सकते हैं, आयरन जो रस्टेड आयरन बोलते हैं उसकी बात आ सकते मतलब हैं। स्टील और आयरन से जो भी आपको चोट लगे तो उसके कारण आपको टेटनस हो सकता है। तो डॉक्टर, ये जो टेटनस के कॉजेज क्या होते हैं? ये टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी करके एक बैक्टीरिया है, उस कीटाणु की वजह से होता है। तो कई बार जब भी कोई भी चोट लगता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो कीटाणु है ये नॉर्मल सॉइल जो मीठी होती है उनमें भी होते हैं। तो अगर डर्टी है और कुछ गंदे वूंड्स अच्छे से नहीं देख पाएंगे, अगर जिनको नहीं देख पा रहे उनको उस चोट के अंदर से आता है। तो जब भी हमें कुछ और तो इसके कोई कॉजेज नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को टेटनस है, किसी माँ को टेटनस है तो जो वो जन्म दे रही है, तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है टेटनस? ये हेरिडिटरी हो सकता है। टेटनस ये अलग बीमारी है जिनमें से एक इन्फेक्शियस बीमारी है, पर ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो सकता है। सर, अभी तक तो हमने जाना कि ये बीमारी होती क्या है और क्यों होती है, तो ये डॉक्टर, ये बीमारी कितनी कॉमन है? ये बीमारी आजकल बहुत कम आने लगे हैं, बहुत रेयर हो गए हैं। पुराने जो 80s में अगर देखते हैं या 90s में देखते हैं, उस पीरियड में करीबन 80,000 पीपल एक साल में अफेक्ट होते हैं। आजकल इंडिया में 2013 में 500 को कमी लोगों को इस बीमारी आया है। 2016 में WHO जो बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है इंडिया इज़ फ्री ऑफ टेटनस। तो इंडिया में टेटनस अब 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री डिक्लेयर कर दिया है, इंडिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया ऑफ टेटनस। तो डॉक्टर, क्या आपके पास कभी टीनेजर गर्ल्स के टेटनस के केसेस आए हैं, या टीनेजर गर्ल्स में ये कितना कॉमन है? ये टीनेजर गर्ल्स में बहुत रेयर है, बहुत ईजिली नहीं देखेंगे, बहुत रेयर है। मतलब अभी 3.5 साल में मेरे को एक ही केस देखा हूँ मैं टेटनस का, वो 10 साल का एक लड़की थी, उसको आया था। तो डॉक्टर, अभी तक तो हमने जाना कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो सिम्टम्स कैसे हैं? अगर किसी को हुआ ये तो वो कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ मेरे को टेटनस है? टेटनस 4 टाइप्स में आता है। एक टेटनस का फर्स्ट टाइप है जनरलाइज बोलते हैं, जिस टेटनस में पूरे शरीर में उनको टेटनस बीमारी फैल जाता है। सेकेंड टाइप है लोकलाइज टेटनस। लोकलाइज मतलब जहाँ पे उसको चोट लगता है उसी हाथ में या उसी पैर में उसको बीमार होता है। थर्ड टेटनस बोलते हैं सेफेलिक टेटनस, इनमें से जिनको सिर में चोट लगता है या कान किसी को बहता है उसके थ्रू अगर टेटनस जाता है उसको सेफेलिक टेटनस बोलते हैं, जिसमें दिमाग का बीमारी हो जाता है उनको। फोर्थ टाइप ऑफ टेटनस जो छोटे बच्चे में होते हैं, जिनको माँ के जो बच्चे का छोटे बच्चे को जो नाभि से माँ का जो जोड़ता है, जो कॉर्ड, जो आउल बोलते हैं, उसका गंदे हाथ से अगर काटेंगे और गंदे तरीके से उसको काटेंगे तब उसके थ्रू टेटनस होते हैं। जो टेटनस का जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो आम आदमी कैसे पहचान सकते हैं, फर्स्ट सिम्टम बोलते हैं लॉक जॉ। तो उनमें से जो आम आदमी है वो मुंह खोल नहीं सकता है, उसको हम लॉक जॉ कहते हैं। और इसमें होता है जो कीटाणु की वजह से जो टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिन्स फेशियल मसल्स में वो एक्ट करते हैं, उनको एक अलग टाइप का स्माइल होता है। तो वो स्माइल करने जैसे लगता है आपको, बट वो स्माइल से नहीं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो स्माइल ऐसे लगता है आपको, स्माइल जैसे लगता है, पर स्माइल नहीं होता है। कैसे होता है, मतलब सील हो जाता है आपका मुंह इस टाइप से होता है? सील जैसे होते हैं, पर उनको वो अगर उनको कहेंगे आप मुंह खोलो बेटा करके कहेंगे, वो मुंह नहीं खोल पाएगा बच्चा, मुंह ऐसे बंद करके रखेगा, पर असली में वो मुंह खोलना चाहता है पर वो मुंह नहीं खोल पाता। मतलब जैसे हम कहते हैं हमारा अकड़ जाता है, हमारा मुंह अकड़ जाता है, खुल नहीं पाता है, वो पूरे शरीर में भी अकड़न हो सकती है। अच्छा, मुंह अगर लॉक जॉ तो होती है कि आपका मुंह बंद हो जाए या मुंह में अकड़न आ जाए, पर आपके पूरे शरीर में भी अकड़न हो सकती है। और डॉक्टर ने हमें बताया कि 4 टाइप ऑफ टेटनस है, एक टेटनस जो हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और एक टेटनस जहां हमें चोट लगी है वहां इफेक्ट कर सकता है, और एक टेटनस जो हमारे सिर पे असर डालता है, और एक ऐसा टेटनस जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसका जो कॉर्ड है नाभि से हम जब उसको काटते हैं, जो उसकी गंदे तरीके से काटते हैं,
काटते हैं तो तब भी टेटनस हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं टेटनस वैक्सीन के बारे में। टेटनस वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं। टेटनस वैक्सीन आप सब लोगों का अभी फ्री मिलता है, हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सबको। तो ये छोटे बच्चे से शुरू करना है, हमें 1.5 महीने से शुरू करके 3 वैक्सीन होते हैं, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में देना है। उसके अलावा एक और बूस्टर डोज देना है 18 महीने में, उसके बाद 5 साल 10 साल, उसके बाद हर 10 साल में एक वैक्सीन लगना है सबको लगना है। तो अगर किसी को वो नहीं दे पाए हैं, मतलब किसी कारण की वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं बच्चे का, तो वो कैचअप वैक्सीनेशन करके एक चीज़ होते हैं, उसमें फर्स्ट वैक्सीन सेकेंड वैक्सीन आप 1 महीने के बाद दे सकते हैं, 3rd वैक्सीन आप 6 मंथ्स के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं वो उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स में दे सकते हैं और 5 मंथ्स में, 2 वैक्सीन्स देना पड़ेगा। और जब सेकेंड प्रेगनेंसी होते हैं जिसको प्रीवियस और पहले प्रेगनेंसी में जिसको वैक्सीनेटेड है उनको एक ही डोज काफ़ी है। तो टेटनस वैक्सीन बहुत ज़रूरी है जब बच्चा पैदा होता है या जब बच्चे को शुरू से ही लगने शुरू हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी लगते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी लगते हैं। तो और किसी को भी जब कहते हैं हमें चोट लगती है तब भी हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? टेटनस वैक्सीन अगर किसी को 5 साल से पहले लगा हो तो उनको वुंड्स जो चोट है, छोटे मोटे चोट है, तो उसको उन बच्चों को या उन आदमी को आप अगर पिछले 5 साल में एक बार भी टेटनस वैक्सीन नहीं लगाए तो एक वैक्सीन लग सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चोट है तो तब टेटनस इम्यूनोग्लोबिन करके एक चीज़ है वो देना पड़ेगा, वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, अगर नॉर्मल जो कुत्ते हैं या जो भी एनिमल्स जो भी बिल्ली वगैरह अगर काटा है उसके बाद भी आप टेटनस वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों गौर दीजिए, अगर आपको कोई जानवर कुत्ता या बिल्ली भी काटता है तो टेटनस का इंजेक्शन उस पर भी लगवाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर, ये जो वैक्सीन की हमने बात, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये सब वैक्सीन जैसे ही है, टेटनस वैक्सीन के लिए कुछ अलग सी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर टेटनस के साथ जो देते हैं DPT बोलते हैं हम, डिफ्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस बोलते हैं, उसके साथ अगर देंगे फिर तब इसको कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो नॉर्मल अगर छोटे बच्चे में लगते हैं, नॉर्मल बच्चों में जैसे होता है दर्द होता है या उस जगह लाल होता है या वहाँ पे कुछ सूजन जैसे आ सकते हैं और बॉडी में रैशेस हो सकता है, फीवर आ सकता है, ये सब नॉर्मल वैक्सीन से भी होता है। और एक और चीज़ है, अगर DPT के वजह से किसी को देने के बाद भी तुरंत ही बच्चे का एलर्जी जैसे हो गया है तो उन बच्चों को या उन आदमी को वापस नहीं दे सकते टेटनस, जो DPT वैक्सीन बोलते हैं। और जो DPT से दूसरा एक चीज़ है, इन बच्चों को अगर DPT देने के बाद अगर वो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोरी हो गए, कुछ दिमाग से बहुत बड़ी बीमारी आ गई तो वापस नहीं दे सकते उनको। तो कुछ लोग क्या इसके एलर्जिक भी होते हैं कि उन्हें एलर्जी हो जाती है? जैसे आपने बताया कि अगर DPT देने से उनको कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट इसीलिए होता है तो उनको पूरे मुँह पे सूजन हो जाता है, पूरी मुंह पे रैशेस हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आंखें में सूजन हो सकती है, आंखें से पूरा पानी आ सकता है, ये सब हो सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं एनाफिलैक्सिस। अगर टेटनस वैक्सीन से DPT से किसी को एनाफिलैक्सिस हो गया है दोबारा नहीं दे सकते हैं, ये कुछ लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी जैसे, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन जैसे है। तो टेटनस से भी हमें एलर्जिक हो सकता है, तो ज़रूरी है डॉक्टर कि मतलब क्या छोटे बच्चों को तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, तो जो लोग इससे एलर्जिक हैं तो क्या चीज़ ज़रूरी है उनको टेटनस के वैक्सीन लेने से पहले क्या चीज़ करवानी उन्हें ज़रूरी है या कौन से टेस्ट करवाना उन्हें ज़रूरी है? इन बच्चों को हमें कुछ टेस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैसे होता है, ये जेनेटिक से होता है, बच्चों का हेरिडिटरी से होता है, जिन बच्चों में होएगा हमें पता नहीं, अगर होता है तब नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं दे पाएंगे। मतलब ये तभी पता चलता है अगर एक बार ही हो जाए। इंजेक्शन तो लगवाना ही लगवाना है। ये बहुत रेयर चीज़ है, लाखों बच्चों में एक बच्चों का ऐसे हो सकता है, लाखों बच्चों में एक बच्चे में ऐसा हो सकता है, बहुत ही रेयर है। बट इसका अफसोस, पहले हम कोई टेस्ट नहीं करते पर बाद में अगर एक बारी हो जाए तो उसके बाद हमें बंद करना पड़ता है या डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो डॉक्टर, टेटनस की बीमारी के बारे में तो हमने देखा, तो डॉक्टर इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जो इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? टेटनस तो है, अगर किसी को टेटनस हो गया उसके साथ उन्हें और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ये इन बच्चों में अगर देखेंगे, टेटनस बीमारी एक अक्यूट जैसे बीमारी है, मतलब जब आता है थोड़ा सा सीरियस टाइप सी बीमारी है, तो इन बच्चों में खाने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, मुंह खोलने से दिक्कत होएगा ना, तो इसलिए खाने में दिक्कत हो सकती है, मुंह खोलने से दिक्कत हो सकती है। और अगर बीमारी अगर पूरे शरीर में फैल गया बच्चे का तो तब पूरे अकड़न हो जाते हैं बच्चे का, और माँ बाप की बहुत टेंशन हो जाते हैं, बहुत एंग्जियस हो जाते हैं वो। तो अगर बड़ों में होता है तो उनकी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है,
और उनके दिमाग में अगर फैल गया है तो थोड़ा सा वो बेहोश भी हो सकते हैं, कई बार दौरा भी पड़ सकता है। मतलब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ही बहुत हैं, जैसे डॉक्टर ने बोला कि दौरा भी पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को टाइम पे टेटनेस के वैक्सीन लगाइए, और इसके लिए मेरे ख्याल डॉक्टर अवेयरनेस भी बहुत की जाती है टेटनेस के लिए, और अब ऑलमोस्ट मतलब ऐसा बहुत कम केसेस आते होंगे टेटनेस के आपके पास। हाँ जी, पिछले 3 साल में हमारे जो छोटे बच्चे NICU बोलते हैं, छोटे बच्चों का ICU बोलते हैं, उस वार्ड में सिर्फ 4 ही केसेस देखे हमने। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, 2016 में WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इंडिया इज फ्री ऑफ टेटनस। तो डॉक्टर, अगर टेटनस हो गया एक बारी किसी को तो वैक्सीन तो चलो लगवा लेते हैं, जो नहीं लगवाता है, टेटनस हो गया किसी को तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जा सकता है? ये टेटनस अगर किसी को हो गया है, उनको तुरंत ही एक नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है, आसपास में जो हॉस्पिटल है वो तुरंत लेके जाना है। वहाँ पे इन लोगों को एंटीबायोटिक्स लगाना होता है, जो पेनिसिलिन, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन करके कहते हैं, ये देना पड़ेगा उनको। अगर बहुत सीरियस ही बीमारी हो गया, जैसे मैंने पिछली बार पहले भी कहा था, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो कहते हैं वो देना पड़ेगा, और बहुत सी सपोर्टिव मैनेजमेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा था इसको अकड़न भी हो सकता है, और खाने में दिक्कत हो सकता है, आंखें में सूजन वजन आ सकता है, तो अकड़ने के लिए जो प्रिवेंट करना जो दवाई देंगे वो भी दे सकते हैं। डाइजिपम कहते हैं उनको, वो मसल का जो टोन होता है, थोड़ा सा स्टिफ बॉडी थोड़ा सा स्टिफ होता है, वो थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा उसके लिए। तो आपको हॉस्पिटल जाना है, और डॉक्टर हम मतलब घर से तो आप कोई अपने आप से तो कोई दवाई ले मत, तो हॉस्पिटल जाएं, जो आपको डॉक्टर बताता है आप वो दवाई लें, जैसे आपको पता चलता है, जो क्योंकि हम सिम्टम्स तो इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी अकड़ जाती है, या डॉक्टर ने बताया आंखें सूज जाती हैं, पूरी जो लॉक जो जिसको हम कहते हैं हमारा मुंह अकड़ जाता है, तो आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और अच्छी तरह से अपनी दवाइयाँ लीजिए। तो अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमने बचपन से ये सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? टेटनस को प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीन देख के ही प्रिवेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ से नहीं प्रिवेंट कर सकते। और जैसे चोट लगता है, अच्छे से उसको साफ़ करना है, अच्छा वाला जो गर्म पानी से साफ़ करने हैं वूंड्स को, जो भी चोट है अगर उसमें कुछ गंदे चीज़ें हैं जैसे कांच या कुछ मिट्टी का जो वो चीज़ है, तो वो सब अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, या नॉर्मल लोकल हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे पोविडन आयोडिन या बीटाडिन लगा के आपको साफ़ करना पड़ेगा। इस तरीके से टेटनस शरीर के अंदर जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, सबको वैक्सीन लगवाना है, हर 10 साल में एक बार वैक्सीन लगवाना जरूरी है, टेटनस वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तो वैक्सीन लगाना, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, वैक्सीन और वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जरूरी है आप बिल्कुल भी लापरवाही मत दिखाइए, और अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही टेटनस का टीका लगवाएं। तो डॉक्टर, इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? सपोज किसी को टेटनस हो गया, पहले तो उसने वैक्सीन ही नहीं लगवाई, फिर उसको टेटनस हो गया, फिर उसके बाद वो दिखाने भी नहीं जा रहा है हॉस्पिटल, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके क्या हो सकती है अगर आप उसको इग्नोर करी जा रहे हो? अगर इग्नोर करी जा रहे हैं तो डेथ भी हो सकता है। टेटनस पहले बहुत मतलब 1990s में बहुत सारा डेथ्स कॉज किए हैं, अभी सिंस थोड़ा सा अवेयरनेस हो गए हैं और वैक्सीनेशन को जो इम्यूनेशन को जो कवरेज ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से टेटनस की जो इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, जो आने में बीमार आने से जो होते हैं वो इंसिडेंट्स बोलते हैं, वो कम हो गए हैं। तो जिनको अगर वो इग्नोर कर ही जा रहे हैं, इसके मतलब है तो उनका अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो उनका डेथ भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में उनको अकड़न हो सकता है, और उनको हाथ पैर चला नहीं सकता, उनको ऐसे भी हो सकते हैं, और उनके दिमाग से कमजोरी हो सकते हैं, उनको नॉर्मल होशी से नॉर्मल बीइंग जैसे वो नहीं रह सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बताया बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, अवेयरनेस अब तो 2000 जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को टेटनस फ्री डिक्लेयर कर दिया है 2016 में, तो पर अगर आप फिर भी इसको इग्नोर करोगे तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिस पे हमें ध्यान देना है। टेटनस एक बहुत जरूरी वैक्सीन है, अपने बच्चों को जरूर दीजिए, और जैसे कि डॉक्टर ने बताया अगर आप नहीं लगवाओगे, डेथ के अलावा हो सकता है आपका दिमाग ना काम करे, और जैसे डॉक्टर ने बताया हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, हाथ पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हो सकता है। आज डॉक्टर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी इसके प्रिवेंशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके जो भी सवाल होंगे शायद उन सब के जवाब हमने दे दिए हैं। और डॉक्टर, जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए एक फाइनल मैसेज। तो टेटनस एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, तो ये सबको वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमन को भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, 2 बारी वैक्सीन लगवाना है, और छोटे बच्चों को सबको वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। पूरे कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, और सबको
अगर किसी को चोट लग गए तो उनको चोट का मैनेजमेंट मैंने बताया है, जैसे साफ करना है वो बताया है। अगर टेटनस की बीमारी का कुछ सिम्टम्स आ गए तुरंत हॉस्पिटल में जाइए और हर 10 साल में एक बार टेटनस वैक्सीन लगवाना जरूरी है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर कीर्ति वसन, APC PGI पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।